नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गोवर्धन थाना क्षेत्र के गांव पलचो में दोपहर के दौरान खेत से निकली हाई वोल्टेज बिजली की लाइन के तारों के आपस में टकराने से उठी चिंगारी से किसान कन्हैया की 2 बीघा जमीन पक पक कर कटी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। अचानक लगी आग के बाद उठती लपटों को देखकर आसपास के ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। लोगों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। सूचना मिलने पर 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड मशीन भी पहुंची और उससे पूरी तरह से आग पर काबू पाया। आगजनी के पीड़ित किसानों और ग्रामीणों ने बिजली महकमे पर खेत से निकले तारों के आए दिन आपस में टकराने की शिकायत की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त की है। गोवर्धन से हमारे संवाददाता केशवाचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। बिजली विभाग है, पूरी लाइन मतलब खंडर पड़ी हुई है। बार बार हमने शिकायत करी है, भैंस यहाँ चर्रे करते ना कोई टाइट तार हुए और किसान की शिकायत के बावजूद इन्होंने लाइट नहीं बनाई और आज हमारा इस लाइट की वजह से खेत जलकर राख हो गया। कितनी फसल जली है? कम से कम 2-2.5 बीघे जमीन को हमारी को नुकसान है साहब, पूरे तरह से सब तरह से मर गए। कोई अधिकारी मौके पे आया? मौके पे कोई अधिकारी नहीं आया। पुलिस को सूचना दी, काफी देर बाद पुलिस आई, फायर ब्रिगेड जब आई, जब कहते मामलों गोल है, गाँव वालों ने आकर आग को बुझाया। काफी पब्लिक गांव से आई, अधिकारी अभी तक वरिष्ठ कोई अधिकारी मौके पर अभी तक नहीं आया, सबको सूचित कर दिया गया है। विद्युत विभाग को, XCN, STO सबको सूचना दी है, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। जेई साहब मौजूद हैं, उन्होंने भी कई बार किया लेकिन अभी तक कोई नहीं आ रहा है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे मतलब जी ये मुआवजा मिले और मतलब जो भी अधिकारी की लापरवाही है इनके खिलाफ कार्रवाई हो। फीडर चल रहा था और आई, फीडर बंद हो गया। फिर थोड़ी देर बाद में अंदर से इधर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। हमारे साथ जो आज के समय वहीं पे था, सारे लोग आगे तक तो हल्ला करा, फिर गांव वाले भी लोग आ गए। जब हवा इधर की चल रही थी तब तो हम कवर कर पा रहे थे उसको, बीच में जगह बना दी, लेकिन जब हवा इधर की घूम गई तो हम फेल हो गए। तब तक लेकिन गांव वाले आ रहे थे, इन्होंने ट्रैक्टर वैक्टर चला के भेजा दी, लेकिन ये नहीं पता लग रहा इस बार की हुई होगी, लेकिन हमारे सामने नहीं हुई। हमने तो अंदर से धुआं उठता देखा था, अंदर नहीं था। क्या माना जाए, विद्युत विभाग की लाइन से फॉल्ट नहीं हुआ है? नहीं हुआ होगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इस पार्किंग का तो पता नहीं लगता, तो हो ही होगा। आप कोई अधिकारी मौके पर नहीं आया? अभी भूल दिया है, इसलिए साहब को आ रहे हैं घंटे। किसानों को मुआवजा मिलेगा? हाँ मिलेगा। कितना मुआवजा मिलाएंगे? ये तो तहसीलदार जो नाप तोल करेंगे और इंस्पेक्टर आते हैं वो जाँच करके देंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।